वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। धामी ने कहा कि इस बार हम प्रदेश के अनेक स्थानों पर आपदा से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपदा में प्रभावित हुए हैं। मैंने सभी से अनुरोध किया है कि आप सभी आपदा पीड़ितों के पास पहुँचे और हर संभव मदद करें। भगवान की कृपा से ये चुनौती भी जल्द दूर होगी। इस बार हम लोग प्रदेश के अनेक अनेक स्थानों पर आपदा से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपदा में प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, और मैंने सभी से अनुरोध किया है कि आज इस दिन सभी आपदा पीड़ितों के पास पहुंचें, उनको हर संभव मदद करें और उनके दुख में हाथ बटाएं, उनकी सहायता करें। और मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से ये जो चुनौती आई है आपदा की, यह भी हमारी जल्दी दूर होगी। लेकिन नए उत्तराखंड के निर्माण के लिए किस प्रकार काम कर रही है सदन की सरकार, को संकल्प भी आपने लिया है? देखिए, नया उत्तराखंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के वो शब्द चरितार्थ हों, धरातल पर उतरे और हर क्षेत्र में उत्तराखंड प्रगति के शिखर पर। प्रधानमंत्री जी सहित तमाम मंत्रियों की आपको बधाई मिल रही है, केंद्रीय मंत्री शुभकामनाएं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और राज्य की विकास में हम और तेज गति से और ऊर्जा से लगे। कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है सर। प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व पटल पर भारत का परचम लहराया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। उनका वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और माँ भारती की सेवा अनेक अनेक वर्षों तक।